नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपसे बात करूंगी देसी गुलाब के बारे में। ये गुलाब मेरे घर में ज़मीन में लगा हुआ है। मैं अपने घर आई हुई हूँ और ये दो गुलाब थे जिनसे कटिंग से ही मैंने बहुत सारे गुलाब लगाए। जब भी मैं घर आती हूँ तो कुछ कटिंग्स ला के जाती हूँ तो उसमें से बहुत सारी कटिंग्स चल जाती हैं। देसी गुलाब बहुत जल्दी कटिंग से चलता है, इंग्लिश गुलाब कटिंग से नहीं चलता। तो आपको कटिंग से लगाना हो तो देसी गुलाब लगाएं। इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि पूरे घर को महका देती है और फूल भी बहुत ही ज़्यादा आते हैं और अच्छे आते हैं। तो काफ़ी बड़े हो रहे हैं ये पौधे, इनको कई कई साल हो गई हैं और इतने सालों से बराबर ये फूल दे रहे हैं। अब जैसे सर्दियाँ आएंगी तो ये पूरे ढके होंगे फूलों से। आप देखिए कलियाँ कितनी, इन पर पूरी एक गुच्छों में इन पर कलियाँ आती हैं और इतने फूल लगते हैं कि पूरा जो पौधे हैं बस रेड ही रेड फूल ही फूल दिखते हैं और काफ़ी बड़े बड़े फूल रहते हैं। तो देसी गुलाब ज़मीन में हो या गमले में अच्छे से चलता है और कटिंग से भी अच्छे से चलता है। देखिए किस तरह से कली आ रही है इन सब पर, बिल्कुल तैयार हैं ये फूल देने के लिए। फूल तो इन पर साल भर आते ही रहते हैं लेकिन गर्मियों में और मौसम में थोड़ा कम हो जाते हैं, लेकिन सर्दियों में जैसी अब सर्दियाँ स्टार्ट होंगी इतने फूल आएंगे कि पूरे फूलों से ये पौधे भरे होंगे। तो इनकी केयर के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों गुलाब का पौधा बहुत ही सुंदर पौधा है और सभी इसको पसंद करते हैं, और ये देसी गुलाब तो खुशबू भी इसकी इतनी अच्छी होती है। इंग्लिश गुलाब बस देखने में अच्छा लगता है, उसमें खुशबू बिल्कुल नहीं होती। तो देखिए सारे जितने भी लगे हुए हैं सब पर कलियाँ आ रही हैं, सब पर फूल आ रहे हैं और नई नई जो पत्तियाँ निकल रही हैं इन सब पर नई कलियाँ आएंगी। तो बिल्कुल इस तरह से आप देसी गुलाब ज़मीन अगर आपके पास है तो उसमें लगाइए। ये सालों साल छः सात आठ साल तक, खूब कई कई सालों तक लगा रहेगा, पूरा ऊंचा हो जाएगा। आप इसकी जब सर्दी निकल जाए उसके बाद आप इसकी कटिंग कर प्रूनिंग कर दीजिए अच्छे से और फिर से इसमें से नई ब्रांच निकलेंगी और फिर से बहुत ही सुंदर और अच्छा हमारा पौधा फूल देने के लिए तैयार हो जाएगा। बहुत सारे 10-15 पेड़ लगे हुए हैं गुलाब के। तो देखिए सबसे ज़्यादा देखिए इसमें जितने भी फूल हैं वो टूट के गिर जाते हैं और कुछ गिर देते हैं, और जो पत्तियाँ होती है सूखी वो भी सब इसी में नीचे पड़ी रहती हैं। तो ये सबसे अच्छा इनको खाद मिलता है। तो बिल्कुल सूखी पत्तियाँ फूल ये सब अगर ज़मीन में डालते रहें तो इनसे बहुत अच्छा खाद हमें हमारी जो ज़मीन है उसको मिलता रहता है। गमले में भी ये पत्तियाँ फूल सूखे इस तरह से डाल दें, बहुत ही जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं और इनसे हमारे पौधे को बहुत अच्छा पोषण मिलता है। और दूसरी बात, जब फूल आ जाए तो उसके बाद आप उनको तोड़ दें ऊपर से, जैसे वो जब पुराना हो जाए उसके बाद। देखिए जैसे ये टूटा हुआ है तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें से जैसे आप एक जगह से उसको तोड़ेंगे तो कम से कम 2 या 3 जगह से ब्रांच निकलेंगी। देखिए यहाँ से निकल रही है, इसके बराबर में यहाँ से निकली हुई है, देखिए दो ये निकल रही हैं और हर एक टहनी पर ऐसे ही निकलेगी। तो बिल्कुल फूल को ऐसे ही लगे ना रहने दें, नहीं तो उसमें बीज बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप इस तरह से तोड़ देंगे तो उसमें फिर बहुत सारी, देखिए एक नीचे से भी निकल रही है। जब उसको हम तोड़ देते हैं तो कम से कम 3-4 ब्रांच एक साथ निकलती हैं हर एक टहनी पर अलग अलग, और उतने ही ज़्यादा हमारे फूल आएंगे। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इसको ज़रूर करें। तो फिर बंचेस में फ्लावर आते हैं इस तरह से, और जैसे ये फूल पुराने होंगे इसको फिर ऐसे ही काट देंगे तो उतनी जगह से फिर नई कलियाँ निकलेंगी। इस तरह से देखिए हर जगह से इसमें से इस तरह से नई नई जो जहाँ से तोड़े हैं वहाँ से नए नए इसमें से पत्तियाँ निकलने वाली हैं, उन पर सब पर कलियाँ आएंगी। तो इस तरह से, और महीने में एक बार आप इसमें गुड़ाई कर गोबर की खाद दे दें और पत्तियाँ सूखी पत्तियाँ सूखे फूल सब इसमें ही डालते रहें गुलाब के पौधों में। देसी गुलाब बहुत ही ज़बरदस्त है, सर्दियों के लिए आप इसको लगा सकते हैं गमलों में भी और ज़मीन में भी। तो दोस्तों आज का वीडियो यही था देसी गुलाब के ऊपर। आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।